हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। बहुत बड़ी उपलब्धि है भोजपुरी अवार्ड की और हम सबकी बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस बात पे हमें फख्र होना चाहिए कि विनोद जी ने एक जर्नी को यहाँ तक पहुँचाया है। बदलाव नहीं कह सकते, उसे हम प्रोग्रेस कहते हैं। प्रोग्रेस हो रही है, साल दर साल बहुत प्रोग्रेस हो रही है अवार्ड फंक्शन में। पहले नॉमिनेशन उस तरीके से स्क्रीन पे प्रॉपर अनाउंस नहीं होते थे, बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज होते थे, जो प्रॉपर क्लियर हो गया है, जो हम हिंदी पे कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा भोजपुरी अवार्ड हिंदी के कंपेयरिंग में खड़ा है आज। पूरी पारदर्शिता के साथ हाँ, मेरी दो फिल्में हैं एज एन विलन, मेरी दो फिल्में हैं दीवानापन और निर्वा हिंदुस्तानी 3। ये तो पता चलेगा थोड़ी देर में, मैं अपने से जजमेंट नहीं दे सकता हूँ, जजेस ने जो फैसला किया होगा वो अभी पता चलेगा। हाँ, बहुत सारी फिल्में हैं मेरी, मैं ये सवाल का जवाब नहीं दे पाता हूँ क्योंकि सवाल बड़ा कठिन है, क्योंकि मेरी बहुत सारी फिल्में हैं, दर्जनों फिल्में हैं, उतने नाम याद रखना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। बट बहुत अच्छी सी फिल्में हैं, उसमें दिनेश जी के साथ हैं, खेसारी के साथ हैं, पवन जी के साथ हैं, नए एक्टरों के साथ हैं, यश मिश्रा के साथ हैं, रितेश पांडे के साथ हैं, राकेश मिश्रा के साथ हैं, कल्लू के साथ दो दो फिल्में हैं मेरी, तो बहुत लंबी लाइन है मेरी, फहरिस्त बहुत लंबी है फिल्में। चालू कर चुके हैं हम लोग, मैं सुशील जी और प्रकाश जैस मिलके एक्टिंग विद कैमरा हमारी क्लास चल रही है आदर्श नगर में शाकुंतलम स्टूडियो में, और उसमें लगभग बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं। कोशिश है कि भोजपुरी में जो लोग मिसगाइड हो रहे हैं, गलत हाथों में पढ़कर या पैसा लगाकर फिल्में बनाते हैं और चलती नहीं है, हीरो एज ए हीरो लॉन्च करते हैं और वापस पता चलता है कि वो डफर हो गए, फ्लॉप हो गए, उनके लिए है कि एक अच्छी कोशिश करके सीख कर फिर कैमरे के सामने, इसलिए हमने नाम दिया एक्टिंग विद कैमरा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.